नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस तरह से सिंक्रोनाइज़ करना है हमें ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर यानी कि मूलांक और भाग्यांक को या फिर आप कहें प्राइमरी नंबर और सेकेंडरी नंबर को या फिर आप कहें कोई भी मतलब दोनों नंबर्स के अंदर किस तरह से जानें कि वो एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं और हमें उन्हें पहचानना बहुत आसान हो जाए तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने लेफ़्ट कॉलम दे दिया है जो कि बेसिकली ड्राइवर नंबर या मूलांक के लिए हो और ये फिर हमने राइट right कॉलम जो है वो दे दिया है अपने भाग्यांक के लिए यानी कि कंडक्टर के लिए तो ये जो है वो डेट से देखा जाता है ड्राइवर नंबर और कंडक्टर या भाग्यांक जो है वो हम देखते हैं पूरे डेट ऑफ बर्थ से यानी कि तारीख मंथ यानी कि महीना और साल से और ये सिर्फ तारीख यानी कि डेट से देखा जाता है तो ये क्या बताता है हम क्या हैं ड्राइवर नंबर और मूलांक हमें बताता है हम क्या हैं और भाग्य अंक और कंडक्टर हमें बताता है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं हम क्या हैं ड्राइवर दूसरे हमें कैसे देखते हैं वो कंडक्टर कई लोगों का मानना है कि ड्राइवर नंबर जो है वो फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ यानी कि प्रमुख जो पहले साल होते हैं पैंतीस चालीस उसके अंदर प्रोमिनेंट होता है या बहुत ज़रूरी होता है या प्रमुख होता है और कंडक्टर भाग्यांक कुछ लोगों का मानना है कि जो सेकेंड फेज ऑफ लाइफ है पैंतीस चालीस साल के बाद की जो पैंतीस चालीस साल हैं उसमें प्रमुख होता है ड्राइवर प्राइमरी नंबर या मूलांक जो है हमारे पहले चरण में प्रमुख होता है मैंने आपको बताया ये हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताता है हमारी प्रतिभाएं क्या हैं और हम किसके अंदर अच्छे नहीं हैं वो चीज़ हमें बताता है ड्राइवर और मूलांक और जो कंडक्टर है वो बेसिकली हमारी प्रतिभा हमारे वीकनेसेस क्या हमारी विशेषताएं क्या हैं हमारे जीवन के सबक क्या है लाइफ लेसन क्या हैं वो बेसिकली हमें कंडक्टर बताता है इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं ये बेसिकली कहना सही नहीं होगा कि ये इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट हां कंडक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस जो हैं बहुत सारी गणना जो हैं वो बेसिकली कंडक्टर से आगे करने को आएंगी अब बोथ नंबर जो हैं हमारे दोनों नंबर जो हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते ये बहुत जरूरी है अगर दोनों नंबर हारमनी में होंगे अगर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हारमनी के अंदर होगा तो हमारा जो जीवन है वो इजी होगा और हम सक्सेसफुल होंगे इसी तरह से ड्राइवर नंबर के साथ एक और नंबर आएगा जो मैं आगे एडवांस लेवल में बताने लगाऊँ कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नंबर भी आपका साथ, इसके साथ जो है वो सिंक होना बहुत जरूरी है वो कौन सा नंबर है वो मैं आपको तभी बताऊँगा एडवांस लेवल के लेक्चर्स की आप आ, देख सकते हैं करिकुलम के अंदर लिखा होगा कि वो कौन सा नंबर है और उसकी कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है और अगर वो भी आपसे कंपैटिबल है तो आपका मतलब इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल होंगे और आपके गुण जो हैं वो पॉजिटिव होंगे अगर हारमोनी में नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपकी चीजें डिलेड हो जाएंगी डिफिकल्ट हो जाएंगी कठिनाइयों से होंगी देरी से होंगी कुछ निराशा या कुछ कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपका जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है वो आपस में जुड़ता नहीं है तो अब हर नंबर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आपके पास कब आएंगे वो डिपेंड करता है कि आपका जो नंबर है वो कितना कंपेटेबल है उस नंबर की दशा या महादशा से जो कि चल रही होगी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा डिपेंड करता है दशा के ऊपर कि कौन सा नंबर आपको पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट देगा जो आप जो नंबर जिस नंबर की दशा महादशा चल रही होगी वो नंबर अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दशा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव दशा इसमें भी कई चीजें हो जाती हैं लोशो ग्रिड के हिसाब से वो भी आने वाले आ, आ, आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको एडवांस लेवल और इंटरमीडिएट लेवल या जितने जो भी लेवल्स आएंगे उसके अंदर बताएंगे कि किस तरह से पॉजिटिव भी कभी कभी नेगेटिव इफेक्ट दे देता है ना ये चीजें भी पता चलेंगी तो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं अब इन नंबरों को फिट करने की कोशिश करते हैं ड्राइवर कंडक्टर निकालने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ तो मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर नमस्कार